मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल के ऊपर 5% अतिरिक्त वैट कर की वृद्धि की गई है, जिसको लेकर राजनीतिक हलकों में विरोध का दौर जारी है। इसी कड़ी में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा दमोह जिले के नोहटा से प्रदेश व्यापी बैलगाड़ी यात्रा के जरिए सरकार के खिलाफ आंदोलन का शंखनाद किया गया। इस मौके पर नोहटा पहुंचे युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडे का युवा मोर्चा दमोह जिले की टीम ने जोरदार स्वागत करते हुए आंदोलन में सहयोग दिया। इस दौरान श्री पांडे बैलगाड़ी पर सवार होकर आंदोलन का आगाज करते नजर आए। जो सरकार निकम्मी है, बिजली पानी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, अरे बिजली पानी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है। कमलनाथ मुर्दाबाद, 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 कमलनाथ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पेट्रोल को लग रखी वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो। की उस सरकार ने कर दिखाया है साथियों, आम गरीब आम जनता की सरकार, हर गरीब को स्वास्थ्य की व्यवस्था, हर गरीब के लिए शिक्षा की व्यवस्था, सड़क पानी बिजली तो कोई मुद्दा ही नहीं हुआ करता था। आप सबको ध्यान होगा, जो यहाँ पर वरिष्ठ यहाँ पर खड़े हैं, आपके बारे में मध्य प्रदेश के लिए ये कहा जाता था। जब आप अन्य राज्यों में जाया करते थे तो मध्य प्रदेश के बारे में कहा जाता था कि मध्य प्रदेश प्रारंभ और सड़कें समाप्त हो चुकी है। जैसे ही मध्य प्रदेश शुरू होता था, गड्ढों की सड़कें निकल कर आती थी, समझ में ही नहीं आता था कि गड्ढों में सड़कें हैं कि सड़कों में गड्ढे हैं। लेकिन आज जब शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार मध्य प्रदेश में चली, तब उन्होंने मध्य प्रदेश में विकास के नए पैमाने खोल